हेलो एवरीबॉडी, आई एम सैमी एंड वेलकम टू माय चैनल सैमी ज़िला। एंड आज मैं सोची हूँ कि मैं एक क्विक एवरीडे ऑफिस लुक वाला मेकअप करूँगी। तो सबसे पहले मैं अपना फेस को प्रेप करूँगी। मैं ऑलरेडी फेस वॉश कर चुकी हूँ, सो अभी मैं सीधा मेरे फेस के ऊपर मॉइस्चराइज़र लगाऊँगी, क्योंकि अभी मैं घर पे हूँ। सो आई एम नॉट गोइंग फॉर अ सनस्क्रीन क्रीम लगाने के लिए। मेरे पास है ये छोटा सा सैम्पल, दिस इज़ फ्रॉम मैक। इट्स अ प्रेप प्लस प्राइम नेचुरल रेडियंस बेस लुमेर। ये तीनों शेड्स में आता है, एक वाइट, एक गोल्डन और एक पिंकिश। और मुझे ये तीनों फ्री में मिला था ये सैम्पल, क्योंकि मैंने मैक का एक नया ब्लश खरीदा था। सी, दिस इज द शेड। सो हल्का सा मैं ऑल ओवर द फेस इस क्रीम को लगा लूँगी। सो नाउ आई यूज अनदर मॉइस्चराइजर ऑन माई फेस। दिस इज अगेन अ वेरी वेरी फेवरेट प्रोडक्ट ऑफ माइन। दिस इज द लॉरियल स्पॉटलाइट इल्यूमिनेटिंग लोशन। सो दिस इज एक्चुअली अ मल्टी टास्किंग लोशन। इट गिव्स अ वेरी नाइस फील ऑन माई स्किन। और मेकअप के पहले ये बहुत अच्छा प्राइमर जैसा वर्क करता है। और इसमें यू नो बहुत छोटे छोटे फाइन इल्यूमिनेटिंग स्पार्कल्स है, जिसके वजह से अगर आप इस लोशन को सिर्फ फेस में लगाएंगे, इवन विदाउट अप्लाइंग मेकअप ऑन इट, दिस इज गोइंग टू गिव यू अ वेरी हेल्दी शाइन एंड ग्लो। सो दैट्स इट। क्योंकि हम लोग ऑफिस के लिए रेडी हो रहे हैं, सो द मेकअप दैट वी गोइंग टू डू, द बेस दैट यू गोइंग टू डू इज नॉट गोइंग टू बी सुपर सुपर हैवी। तो अब हम लगाने वाले हैं प्राइमर, और आज मैं यूज करूंगी मेरा नायका प्रेप मी अप प्राइमर। वेल अगेन, बहुत ही बढ़िया प्राइमर है ये। मेरा जो स्किन के जितने भी छोटे मोटे इनपरफेक्शंस है, उस चीज़ को स्मूद आउट करता है। ऑल दिस पोर्स ऑल्सो गेट्स ब्लर्ड, सो आई वेरी मच लव यूजिंग दिस प्राइमर। और ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, राइट? अच्छा, मैं जितना भी प्रोडक्ट्स आज यूज़ करूँगी वीडियो में, आई एम गोइंग टू शेयर ऑल द लिंक्स बिलो, सो यू कैन डेफिनेटली चेक देम आउट एंड बाय इफ यू वांट टू। दैट्स इट। थोड़ा सा प्राइमर ऑन द चीक्स, ऑन द फोरहेड, ऑल ओवर द फेस, एंड वी आर डन। ओके, सो प्राइमर भी लगा चुके हैं, एंड अब हम लोग लगाने वाले हैं फाउंडेशन। और आप सबको बता दूं कि अगर आपका बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है और आप बहुत ज़्यादा काम करने से, इवन अगर आप एसी में रहते हैं तो आप बहुत ज़्यादा स्वेट करते हैं, तो ऑलवेज गो फॉर अ फाउंडेशन दैट इज़ गोइंग टू गिव यू अ मैट इफेक्ट, यानी कि मैट फाउंडेशन यूज़ करेंगे। और अगर आपका बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है और एसी में जाते ही और ज़्यादा ड्राई हो जाता है, तो प्लीज़ डू नॉट गो फॉर अ मैट फाउंडेशन, क्योंकि फिर वो अगर ड्राई हो जाएगा तो आपके फेस में वो सारे क्रैक्स दिखने लगेंगे। मेरा जो स्किन टाइप है वो कॉम्बिनेशन है, सो आई एम गोइंग टू यूज़ दिस फाउंडेशन। दिस वन इज़ मेबलिन फिट मी मैट प्लस पोलिस फाउंडेशन, और मेरा शेड है 220 नेचुरल बेज। सो वी गोइंग टू टेक वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ फाउंडेशन एंड जस्ट अप्लाई लिटिल बिट ऑल ओवर, ज़्यादा नहीं। अगर आपको बहुत ज़्यादा कवरेज चाहिए होगा, सो आप डेफिनेटली एक बार इसको ब्लेंड करने के बाद सेकेंड टाइम अप्लाई करके लेयर कर सकते हैं, आप बिल्ड कर सकते हैं। सो नाउ वी गोइंग टू ब्लेंड इट। आई हैव दिस वेट स्पंज विथ मी, तो धीरे से इस तरह से हम लोग इसको टैप करके ब्लेंड करेंगे। सो कंसीलर के लिए आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस वन। This is the Instant Age Rewind Maybelline Multi-Use Concealer. ये भी बहुत ही amazing concealer है, क्योंकि इसका जो coverage है is 100% great and बहुत easily ये आँखों के नीचे settle भी हो जाता है और crease भी नहीं होता। So ये concealer brush है। I am going to take the product here like this. थोड़ा सा product, because यहाँ पे already बहुत सारे product लगा हुआ है, which will be enough. And just tap it आँखों के नीचे, और इसी कंसीलर से ऑन द आईलिड्स भी हम कवर करेंगे। सी, मैंने इस पार्ट को कंसील किया है, तो आप देख रहे हो डिफरेंस। पूरा फेस का जो टोन है, दैट टोन हैज जस्ट बिकम वन, इट इज एग्जैक्टली द सेम। ओके, सो मेरे नोज के ये वाला जो साइड वाला एरिया है और मेरा लिप्स का जो स्माइल कॉर्नर है, दिस स्माइल लाइन्स काफ़ी विजिबल हो जाते हैं, और मेरे ये लिप का कॉर्नर भी कंपैरेटिवली थोड़ा सा डार्क है, तो मैं उस जगह को भी कंसील करना पसंद करती हूँ। So for baking, I'm using this one. This one is the Maybelline Fit Me Loose Finishing Powder. This is one of the best affordable
pocket friendly powder that is there in business, and I think all makeup lovers have it. और इसको ठीक इसी तरह से apply करेंगे. I have this wet sponge. मैं wet sponge use कर रही हूँ. अगर आप चाहो तो आप आपका powder brush भी use करते हैं. थोड़ा सा amount लेकर आँखों के नीचे इस तरह से dab करके अपना concealer को set करेंगे. Moving on to the eyelids as well. क्योंकि हम लोग हल्का सा आई शेडो अप्लाई कर रहे हैं, तो आई शेडो एप्लीकेशन को स्मूथ करने के लिए भी हम लोग पाउडर से आईलिड को सेट करेंगे. Maybelline Fit Me Kali मैट प्लस प्रोलेस फाउंडेशन कॉम्पैक्ट पाउडर यूज करूंगी एंड द शेड इज अगेन 220. थोड़ा सा इस तरह से लेंगे पाउडर को और अपने टी जोन में टैप करेंगे इस तरह से. लिटिल बिट ऑन योर चीक्स. और अब चलिए हम लोग आई का मेकअप शुरू करते हैं. तो सबसे पहले अभी मैं ब्राउज करना चाहूँगी. मेरे ब्राउज के लिए मैं यूज़ करूँगी एस्ट्यूड हाउस का ड्राइंग आई ब्राउ. और मैंने शेड चूज़ किया है जो थोड़ा सा डार्क ब्राउन और चॉकलेट ब्राउन के बीच में है. दिस इज़ द शेड. तो ब्रश से हम लोग अपना आईब्रोज को ऐसे शेप कर लेंगे एंड देन प्रोडक्ट साइड से हम लोग ब्राउज को प्रॉपरली शेप लेंगे. और जो यहाँ का पार्ट है, इस पार्ट में एकदम हल्के हाथों से लोग एकदम नेचुरली जो हेयर लाइन है उस हिसाब से स्ट्रोक्स देंगे इस तरह. सो आईब्रोज हो चुके हैं और अब एक बार ये जो ब्रश एंड है इससे मैं अपना ब्राउज को इस तरह से शेप कर लूंगी. ये करने से क्या होता है कि जो भी मेरा आईब्रोज में प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट मेरा आईब्रो के हेयर्स के साथ और अच्छे से ब्लेंड हो जाएगी. दिस इज़ अ प्रोफेशनल टिंटेड ब्राउ मस्कारा और मेरा ये शेड यू नो चॉकलेटी ब्राउन है. इसका नाम है एस्प्रेसो. सी इफ यू कैन सी इट, इट इज़ एग्जैक्टली द सेम शेड ऑफ द यू नो आईब्रो दैट आई डिड. सो एकदम हल्का सा जैसे मस्कारा होता है उसी तरह अप्लाई करना है जस्ट ऑन द हेयर. और हम लोग जो स्ट्रोक्स है वो ऊपर की तरफ करेंगे इस तरह से. और आई मेकअप के लिए आज मैं एक पैलेट यूज करने वाली हूं. दिस इज द पैलेट. आई एम गोइंग टू यूज दिस शेड. ये वाला जो शेड है इसको मैं यूज करने वाली हूं. सो एक फ्लैट आई शेडो ब्रश लेंगे. जस्ट लुक एट इट, इट्स अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल यू नो ऑरेंजिश न्यूड शेड. सो अब दोस्तों वी आर गोइंग टू टेक अ फ्लफी ब्रश लाइक दिस. और ये जो हल्का सा यू नो पिंक शेड आप देख रहे हो ये पीचिश पिंकिश शेड से हम लोग यहाँ पे अपना पूरा आई शेडो को ब्लेंड करेंगे. जो हमारा क्रीज एरिया है उस क्रीज एरिया से लेकर हमारे ऊपर की पोर्शन तक आईलिड के वहाँ पर हम लोग इसको पूरा ही इस तरह से ब्लेंड कर देंगे. सो वी आर डन. और अब हम लोग जाएंगे हमारे वाटर लाइन में. ये कलर यहाँ पे लगाए थे वो सेम कलर ही हम लोग आंखों के नीचे लगाएंगे. I'm using my favorite liner in the entire world. I must tell you, दोस्तों, I love using this one from Galabar All Matte Eyeliner. जो मेरा lash line है, मैं exactly मेरे lash line को इस liner से shape करूँगी. So मैं यहाँ से लेकर यहीं तक रख रही हूँ. अगर आप चाहते हो तो आप यहाँ तक भी ला सकते हो. It's up to you. और अब मैं इसको एक हल्का सा विंग फील देना चाहती हूँ. आई एम गोइंग टू यूज दिस लाइनर फ्रॉम नाइका जेल इंक्ड. आई शो यू. देखिए बहुत ही डार्क कलर, वेरी स्मूथ एप्लीकेशन. सो इसी से मैं विंग को क्रिएट करूंगी. दैट्स इट. वेरी वेरी सॉफ्ट विंग. बट अगेन ये फेस को ऊपर की तरफ अपलिफ्ट कर भी रही है. ये वाला डार्क ब्राउन शेड मैं थोड़ा सा आंखों के नीचे अप्लाई करूंगी. हल्का सा लगाना है, एकदम ज्यादा नहीं. As soon as I applied it, this eye has just popped out. It is enhanced more. That's it. And now it's time for the mascara. So इस तरह से I'm gonna press it and curl your gorgeous, gorgeous lashes. और आज मैं ये मस्कारा लगाने वाली हूँ. दिस इज फ्रॉम मेबेलिन द फैब सीज पुश अप ड्रामा मस्कारा. देयर
you go. My lashes are curled up high and looking amazing. Hai ki nahi, right? So let's apply niche ki taraf also contour brush. Thoda sa amount lenge. Extra dust off karenge. और सिर्फ जो हमारा इस तरह से इस जगह है अपना चीक्स का, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ब्रॉन्जर को अप्लाई करेंगे. तो जल्दी से कर लेते हैं. लिटिल बिट ऑन द जॉ लाइन जस्ट हियर. और अब ब्लश ऑन लगाने की बारी. और मैं ये पैलेट यूज कर रही हूँ, इमैजिक का ये पैलेट है. बहुत सारे ब्यूटीफुल शेड्स हैं इसमें. We take both the colors and apply on the cheeks. That's it. बस इतना सा product, ज़्यादा नहीं चाहिए. और अब lipstick की बारी है. So अगर आप को बहुत vibrant lipstick use करना पसंद है, so आप definitely कर सकते हो. You know, office space में lipsticks का कोई foundations नहीं है. You can go for a dark color, you can go for a nude, you can even go without having applying a lipstick and just lip balm. But I'm going to use 2-3 colors. सबसे पहले तो मैं lip को line करूँगी और मैं ये वाला एक shade use करने वाली हूँ. This is a beautiful, you know, nude shade. I hope you guys can see. So this shade is Coco Nude और ये Swiss Beauty का matte liner एक set आता है, उस set में से है. और अब पूरे लिप्स को मैं इसी कलर से फिल करूंगी. See itself only this color is so pretty, right? So मुझे ये वाला शेड यूज करना है कलर बार का. This is Take Me As I Am lip color and this is a gorgeous, gorgeous shade. It is very similar to the lip liner color. और अगर आप चाहते हैं कि इसको आप थोड़ा सा ग्लॉसी बनाएंगे, then you can go for any, you know, transparent clear gloss. With me right now I have this one from Sugar. It is Time to Shine lip gloss and the shade is Mellow Kitty. Thoda sa ye shade lenge. Ye shade bhi exactly similar hai to the shade of my lipstick and lip line. So isko bhi lenge aur just beech mein apply karenge. अगर आप चाहते हो तो आप फिक्सर यूज़ कर सकते हो. मैं यूज़ कर रही हूँ ये फिक्सर मैक का. इट्स अ ऑल डे हाइड्रेटिंग स्प्रे फिक्सर विच हैज़ गॉट विटामिन सी. सो जस्ट वन पंप एंड टू पंप, दैट्स इट एंड लेट इट सेटल. देयर वी गो गाइस, फाइनली वी आर डन विद द मेकअप लुक, द ऑफिस लुक, द एवरी डे यू नो वर्क लुक दैट वी ऑल कैन कैरी. थोड़ा सा आप सबको मैं इस लुक का ग्लिम्स दे देती हूँ अच्छे से. If you really like this video, if you enjoyed my video, please comment it on the box. आपके जितने भी views हैं सब कुछ मैं जानना चाहती हूँ. और मेरे बाकी का videos भी ज़रूर check कीजिए. और मेरे जो बाकी के social media platforms हैं सामी ज़िला, मुझे वहाँ जाकर follow कीजिए. Thank you so much once again for joining in. Very soon I'm going to see you guys in the next video. Bye bye.